हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 55। श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कामान सर्वन पार्थ मनोगतम आत्मन्नवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तद उच्चते। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ पे भगवान ने 3-4 लक्षण ऐसे बताए, जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा कि अर्जुन ने भगवान से उसके लक्षण पूछे, उसके वो कैसे बोलता है, कैसे क्या भाषा है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, ऐसे कुछ लक्षण पूछे जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उनके बारे में। तो यहाँ पे भगवान एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो 55 नंबर श्लोक यानी इस श्लोक में भगवान उसके सामान्य लक्षण बता रहे। क्या क्या लक्षण बताए यहाँ पे भगवान ने? मुख्यतः 3 लक्षण बताए। पहले, ऐसे व्यक्ति मन से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की सारी कामनाओं को परित्याग कर देता है। दूसरा लक्षण है, ऐसे व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और सदैव आत्मसंतोष में स्थित होता है, यानी उनका मन होता है वो शुद्ध होता है और सदैव आत्मसंतोष जो अनुभव करता रहता है। और तीसरा है, ऐसे व्यक्ति के चेतना भी शुद्ध होता है और ऐसे व्यक्ति के जो चेतना है वो भी शुद्ध होता है। शुद्ध चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कभी नहीं बन सकते। तो जो हमने तीनों कारण देखा, मतलब तीनों जो लक्षण हमने देखा, ये बेसिकली मन से रिलेटेड है, यानी मन को कंट्रोल करने की बात यहाँ पे किया जा रहा है कि जब मन अपना नियंत्रण कर लेता तो ये जो सारे लक्षण है ना, आत्मसंतोष, उसके बाद शुद्ध चेतना और इंद्रिय तृप्ति की सारे कामनाओं को परित्याग करना, ये सब मन से रिलेटेड है, ये सब मन में उत्पन्न होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हाउ टू कंट्रोल द माइंड, यानी इसके विषय में थोड़ा भगवान बता रहे हैं। तो सिर्फ भौतिक, मतलब सिर्फ आध्यात्मिक दुनिया में ही नहीं बल्कि भौतिक दुनिया में, विषय वस्तु के दुनिया में भी मन को कंट्रोल करना बहुत बहुत, मतलब बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बहुत डिफ़िकल्टी आ जाएगा अगर आपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो लाइफ में, हमारे लाइफ में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आ जाएंगे। क्योंकि इसके कई सारे कारण है, क्योंकि मन को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, इसके कई सारे कारण है। जैसे हम यहाँ पे 2-3 मुख्य जो कारण है उसको चर्चा करेंगे। पहले तो हम कभी अपने मन की इच्छा को तुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो इच्छा है असीमित होती है। तो अगर आप मन की जो इच्छा है उसको तुष्ट करने के लिए जाएंगे भी तो आप इसको कभी तुष्ट कर ही नहीं सकते। तो फिर आप बीच में लटक जाएंगे कि हमने कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया, तो उस समय और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि आपने जो कार्य आरंभ किया उसको आप समाप्त नहीं कर पाए। या तो उस कार्य का आरंभ मत करिए, पहले ही से रोक दीजिए कि नहीं करना है ऐसा काम। लेकिन अगर कुछ काम हम आधा करते फिर आप आगे कर नहीं पाते तो उस समय ज़्यादा दिक्कत होता है, परेशानी होती है। इसीलिए आप जो मन की इच्छा है को अगर मानने चलेंगे तो आप ये इच्छा जो असीमित है इसीलिए आप इसको समाप्त नहीं कर सकते, और आपको ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेशन आ जाता है इंसानों में। अगला कारण है, जो हमारे मन में ज़्यादातर जो इच्छाएँ उत्पन्न होते हैं वो सब अनर्थकारी होते हैं। आप देखेंगे, गौर करेंगे अपने मन की इच्छाओं को, यानी मन की जो गतिविधि अगर आप गौर करेंगे देखेंगे कि इसमें जितने भी इच्छाएँ होती है ना वो सब खराब, यानी अनर्थकारी इच्छाएँ मन में उत्पन्न होती है। जैसे कोई खाली बैठे तो उसमें कुछ गलत चीज़ें मन में आता रहता है, अच्छा चीज़ नहीं आता। कि जैसे मान लीजिए खाली बैठे चलो कोई शास्त्र पढ़ लेते, नहीं, खाली बैठे तो कई गलत वीडियो देखेंगे या कुछ और इस तरीके का कि नशा करने की चीज़ें दिमाग में आएगा, है ना, और थॉट ऑफ सेक्सुअलिटी, ये सब चीज़ें मन में आता रहता है। तो इससे हम समझ पाते हैं कि जो मन है उसमें हमेशा अनर्थकारी जो चिंताएं मन में आते रहती है। इसीलिए मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसे जो अनर्थकारी चिंताएं मन में ना आए। और तीसरा कारण है, यदि हम अपने मन के, ये थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताया गया है कि यदि हम अगर मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम मन की इच्छा को अगर पूरे करने भी लगेंगे कि जो जो मन में इच्छा आ रही है उसको हम पूरे करते रहेंगे तो हम क्या होगा, हम जन्म मृत्यु जराबाधि के ये जो भौतिक संसार में हम फंसे रहेंगे। क्योंकि हमारे मन सिर्फ भौतिक चीज़ों में आसक्त रहता है, इसलिए मन की इच्छा को फॉलो करते जाएंगे तो हम भौतिक कार्यकलाप करते रहेंगे, भौतिक क्रियाएँ हम करते रहेंगे। इससे क्या होगा, पहली बार तो हम आध्यात्मिक क्रियाकलाप नहीं कर पाएंगे, और ये जो भौतिक क्रियाकलाप हम करेंगे इससे हमारा आसक्ति और बढ़ेगा और हम अल्टीमेटली जाके इसी जन्म मृत्यु जराबाधि के चक्कर में फंसे रहेंगे। अच्छा, बहुत सारे और भी कारण हैं लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ 3-4 ऐसे मुख्य कारण बताए जिसके चलते मतलब मन को कंट्रोल करना यानी मन को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अब ये आता है कि हम जो संसार में बेसिकली 2 भ्रांत धारणा है ना मन से रिलेटेड, ये बहुत बड़ा भ्रांत धारणा है समाज में। कि आप देखेंगे
पहला कारण तो, पहला जो धारणा है वो तो है कि मन की हर बात मान लेनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि अगर मन की बात नहीं मानेंगे तो आपके आत्मा को कष्ट होता है। बिल्कुल ही बोगस कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप मन की बात मानने जाएंगे तो मन तो ऐसे बहुत सारा चीज़ करने लगता है, बहुत मैक्सिमम चीज़ें गलत, मतलब जो इच्छा होती है मन की, तो हम सारा गलत चीज़ नहीं कर सकते ना, तो हम क्या, हमारा आत्मा कैसे कष्ट होगा। बोलते कि मन की बात मानो नहीं तो पाप लगेगा। ठीक है, अगर कोई कहता है ठीक है, अगर आपके पास ठीक है तो मेरा मन कर रहा है, बेसिकली जो आपको ये बात बोले ना कि मन की बात मानो नहीं तो पाप लगेगा, तो आप बोलिए ठीक है मेरा मन कर रहा है आपको थप्पड़ मारने का, मार दूँ क्या, है ना। तो ऐसा बिल्कुल बोगस कॉन्सेप्ट है कि मन की हर बात मान लेनी चाहिए। मन की बात बल्कि हमें नहीं माननी चाहिए, मन को हमें कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, हम मन के राजा है ना, ये तो और बड़ा बोगस कॉन्सेप्ट है। हम मन के राजा नहीं है, हम मन के नौकर है, क्योंकि हमारा मन जो बोल रहा है हम वही कर रहे हैं। राजा कौन होता है? जो ऑर्डर देता है, और प्रजा कौन होता है? जो फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर कौन दे रहा है? मन दे रहा है ऑर्डर, और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर राजा हम कैसे हो गए? मन हमारा राजा बन गया, हम उसके नौकर बन गए, और हम मन के पीछे पीछे भाग रहे हैं, मन के हर हर ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। या तो आप ये कह दिए हम मन के नौकर है, फिर ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं हम मन के राजा है, तो अपने मन को कंट्रोल करिए ना फिर। अगर आप मन के राजा है तो मन आपका नौकर हुआ, तो नौकर को राजा कंट्रोल करेगा कि नौकर राजा को कंट्रोल करेगा? हमेशा राजा नौकर को कंट्रोल करते। इसीलिए आप मन के राजा बनिए, अभी आप बने नहीं है, और जब तक नहीं बने तब तक ऐसा मत बोलिए कि हम मन के राजा। पहले मन के राजा बनिए, फिर बोलिए कि हम मन के राजा हैं, मन को नियंत्रण करिए। ये दोनों बोगस कॉन्सेप्ट है कि मन के हर बात मान लेनी चाहिए, और हम मन के राजा। ये दोनों बोगस कॉन्सेप्ट की वजह से समाज में ज़्यादा भ्रांत धारणाएं फैला हुआ है। और अब सवाल आता है, ठीक है चलो मन को हम नियंत्रण करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, है ना। देखिए नियंत्रण शब्द जो है वो बहुत ही, मतलब ऐसा शब्द है, इसका दो प्रकार के कंट्रोल हो सकता है। एक होता है ना रोक देना, जो जब मन के मन में हमारे विचार आते हैं, उल्टा पुल्टा विचार आए, तो उसको हम रोक सकते हैं, है ना। और एक आता है कि हम उस, मतलब मन को, मन के विचार को बदल सकते हैं। विचार को आने नहीं देना है, और विचार अगर आ रहा है तो उसको बदल देना। तो ये दो प्रकार के हैं। तो इसको अगर हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे मान लीजिए कहीं नदी से पानी आ रहा है, तो आप उस पानी को दो प्रकार से, उस पानी से बच सकते हैं। पहले तो या तो उस पानी को आप एक मतलब रोक दीजिए, बांध लगा दीजिए, ताकि वो जो पानी आगे ना बढ़े, है ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो पानी है, ये तो पानी का भी मतलब आना बंद नहीं होगा, ये मतलब आता रहेगा पानी, तो कब तक आप बांध लगाते रहेंगे, है ना। आप बांध लगा के इसको रोक नहीं सकते, है ना। तो क्या होगा अगर आप रोक भी दिए कुछ समय तक, लेकिन बाद में जब ये बांध टूटेगा, और टूटना ही आखिरकार, क्योंकि पानी तो निरंतर आता रहता है, वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, पूरा गाँव में बाढ़ आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार जो हमारे मन में विचार है, वो विचार आते रहेंगे, हमेशा विचार आते रहेंगे। इसीलिए हमें अपने विचारों को रोकना नहीं, अगर हम विचारों को रोकने का प्रयास करेंगे तो एक समय पे नदी की बाढ़ जैसा हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। इसीलिए हमें अपने मन के विचारों को रोकना नहीं है। तो करें क्या फिर, हम जैसे नदी के पानी को बिना रोके उसको एक अलग दिशा दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसको एक अलग दिशा दे दिया, तो क्या होगा उस पानी, पहली बात तो नदी का पानी रोकना हमको नहीं पड़ा, अलग दिशा से पानी निकल गया। दूसरा, हम उस पानी को जब दिशा देंगे तो उस पानी को यूज़ करके हम अपने गाँव में खेती भी कर सकते हैं, उस पानी को हम यूज़ में ला सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने मन को ऐसे जगह पे एंगेज करें, हम अपने मन के विचारों को नया दिशा दे दें, जिससे क्या हो, जो हमारे मन में जो विचार है वो सारा अच्छे विचार है। जैसे हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें, आध्यात्मिक क्रियाकलाप करें, जिससे क्या होगा, हमारे मन में सारे जो एक्टिविटी, सारे जो विचार आएंगे वो आध्यात्मिक विचार आएंगे, सारे जो स्पिरिचुअल थाट्स हमारे मन में आएंगे। हम मंदिर जाएँ, हम भगवान की सेवा करें, भगवान की भक्ति करें, शास्त्र पढ़े, माला जप करें, तो इससे क्या होगा, हम अपने मन को, अपने इंद्रियों को हमेशा भगवान के सेवा में लगा रहे। इससे क्या होगा, हमारे मन में जो विचार आएंगे वो भी सब भगवान, क्योंकि हमारे पास यही मेमोरीज है, मन में वही चीज़ आता है जो मन में भरा होता है ना। जो हमारे क्रियाकलाप होता है, जो हमारी एक्टिविटी होती है, जिस प्रोसेस हम गुजरते हैं, इससे रिलेटेड थॉट्स हमारे मन में आते हैं। तो अगर हम अपने जीवन को पूरा आध्यात्मिक बना लेंगे, तो हमारे मन में विचार जो भी है, विचार है, वो भी आध्यात्मिक विचार आते रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारे मन में खराब विचार आना बंद हो जाएगा, है ना। इसीलिए हमें मन को कंट्रोल तो करना है, लेकिन उसको विचारों को रोकना नहीं है, विचारों को एक नया दिशा देना है, जिससे हमारे मन में जो अच्छे विचार आएंगे, और हमारा जीवन भी शुद्ध हो जाएगा, हमारा चेतना भी शुद्ध हो जाएगा। और भौतिक आसक्ति से हमने पहले ही हटा लिया मन को, हमने स्पिरिचुअल एक्टिविटी में मन को लगाया, है ना। इससे हमारा विचार भी शुद्ध हो गए, हमारे चेतना भी शुद्ध हो गए, और हम अपने भौतिक विषय भक्ति से मन को हटाने लेने के कारण हम जन्म मृत्यु जरावादी से भी, इस जो चक्र है, इससे हम बच जाएंगे। हरे कृष्णा।